पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण तय करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार की ओर से हाल में जारी हुई आरक्षण सूची बदल जाएगी। अब नए सिरे से हर सीट का आरक्षण तय किया जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और आगे चुनावों की तैयारी कर दी जाए। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। याचिकाकर्ता अजय कुमार ने प्रदेश सरकार के 11 फरवरी 2011 के शासनादेश पर हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था। तर्क दिया गया कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतिम आरक्षण सूची जारी किए जाने पर रोक लगा दी थी। सीटों के आरक्षण की सूची पर 250 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिले में 161 ग्राम पंचायत पर चुनाव होना है। इसके अलावा 14 जिला पंचायत सदस्य, 323 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 2141 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। जिला प्रशासन की तरफ से आरक्षण सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से आरक्षण सूची तैयार करनी होगी। जिले में इस बार 5,56,000 मतदाता वोटिंग करेंगे, जो पिछली बार से 63,000 अधिक होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही।